हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू साहू टेक्निकल। दोस्तों मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप एक एक्सीडेंट इफेक्ट बना सकते हैं VFX काइनमास्टर के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरह का काइनमास्टर के रिलेटेड वीडियोस पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर हर टाइम काइनमास्टर के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों मेरा जो पिछला वीडियो जो कि है काइनमास्टर का जो 5.0.1 वाला वर्सन है उसके बारे में है, तो आप लोग यदि नहीं देख रहे हैं वीडियो तो जाके देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं बताया कैसे आप उसका जो क्रैक वाला वर्जन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाय बना रहे तो दोस्तों इस तरह का एक्सीडेंट VFX बनाने के लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। और दोस्तों इस वीडियो में जो भी वीडियो पार्ट मतलब ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो यूज़ किया गया है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करके 16:9 रेशियो पे प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना होगा। और यहाँ पर आपको हमारा जो शूट किया हुआ वीडियो है उस वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना होगा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है इस वीडियो का हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर लेंगे। तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे काट कर देंगे। दोस्तों वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट काट करने के बाद हम लोग इसका जो पैन एंड जूम वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाके हम लोग इसको ऐसे जूम कर लेंगे, ताकि वीडियो का जो साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है वो हट सके। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं वीडियो किस तरह से हो गया है। और अभी इस वीडियो के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा वाला जो साइड का फालतू सा चीज़ नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो का यहाँ पर एक कैप्चर ले लेंगे जब वीडियो पर कोई नहीं रहेगा। और साथ में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो का जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जो कि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से काट करके हम लोग यहाँ पर रिएक्शन के टाइम के आगे से जो है काट कर लेंगे, ताकि यहाँ पर कार को जो दिखने का टाइम है बहुत ही कम हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो कुछ इस तरह का होगा यहाँ पर इस तरह से। और आप चाहें तो यहाँ पर इस टाइम पे और एक स्प्लिट एट प्लेट करके मिडिल का जो पोर्शन है आप थोड़ा सा स्पीड कर दीजिए, ताकि रिएक्शन और भी जल्दी हो सके। और फिर आप यहाँ पर वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं वीडियो किस तरह से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग वीडियो के इस टाइम से एक पॉइंट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग राइट साइड पे काट कर देंगे पूरा वीडियो को। और फिर यहाँ पर हम लोग मीडिया पे जाके कैप्चर ले लेंगे जो लास्ट में जो कैप्चर लिया थे हम लोगों ने। तो ये जो कैप्चर लेने के बाद हम लोग ये जो वीडियो के लास्ट का जो कैप्चर था यहाँ का भी हम लोग एक कैप्चर लेंगे, गैलरी पे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो कैप्चर है इस कैप्चर को हम लोग PNG पे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग पिक्से प्रो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो चलते हैं पिक्से प्रो एप्लीकेशन पे।
दोस्तों फिक्से प्रो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गेट ए पिक्चर पर क्लिक करके यहाँ पर एक फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेना होगा। दोस्तों हम लोगों ने जो कैप्चर लिया था उस कैप्चर को हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और फिर नॉर्मल पे जाके एडजस्ट पे जाना होगा और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा कि प्रिंट मास्क एंड सिलेक्शन, तो ये वाला ऑप्शन पर जाके आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा और फिर इन्वर्ट सिलेक्शन पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद आपको ये जो फोटो दिख रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को इरेज करना होगा। तो इस इरेज के बटन पर क्लिक करके आपको ये जो ग्रीन स्किन वाला कलर है इसे आप लोगों को सब्जेक्ट के ऊपर से हटा लेना होगा। तो पूरा कलर को हटाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करके मास्क पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट पर जो है कलर होगा, तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मेक ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हम लोगों का जो फ़ोटो था कैप्चर था वो PNG पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे इस PNG फ़ोटो को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो फाइनली आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना होगा। तो सेव पे क्लिक करने से हम लोगों का जो फ़ोटो था सेव हो जाएगा गैलरी पे। दोस्तों हम लोग पिक्सेल प्रो में PNG करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर लेयर पे जाके मीडिया से उस PNG वाले फ़ोटो को हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे और ये जो फोटो है इसको ऐसे जो है फुल स्क्रीन कर देंगे वीडियो के माफिक और फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लेयर पे जाके मीडिया से यहाँ पर एक कार का ग्रीन स्क्रीन वीडियो लेंगे और दोस्तों ये जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो था इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको क्रोमा की पे जाके इसे इनेबल कर देना होगा। और दोस्तों कार का कलर और भी इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको एडजस्टमेंट पे जाके ये वाला ऑप्शन को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। और दोस्तों फिर हम लोग यहाँ पर रोटेशन पे जाके इस कार का जो एंट्री का जो एंगल है उसे चेंज करना होगा। तो आपको इस तरह से जो है कार का एंट्री करवाना होगा। तो यहाँ पर इस जो कार है इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे और फिर यहाँ से ऐसे छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर जाके ये जो कार है आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसे स्पीड कर लेना है, कार का जो व्हील्स है वो स्पीड में घूमने के लिए हम लोग ऐसे किया। तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो था उसे डिलीट कर दीजिए और आप ये PNG वाला फोटो को भी आप ऐसे काट कर दीजिए और फिर हम लोग यहाँ पर ये जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो था इसको यहाँ पर इसकी एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम लोग इसको ऐसे इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है इस तरह से। और अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो कार है इसका स्पीड किस तरह से हुआ है, तो ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं वीडियो को और फिर देखते हैं थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से आपको देख लेना होगा वीडियो का जो कार का जो स्पीड है किस तरह से हुआ है। तो उसी तरह से आपको वीडियो को बड़ा करना होगा और फिर उसके साथ ही आपको PNG फोटो को भी ऐसे बड़ा करना होगा। तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे से आगे बढ़ा के देखना होगा कहाँ पे जो है यहाँ पर कार ठोकता है, तो यहाँ पर ठोकता है। तो यहाँ पर आपको ये की एनिमेशन पे जाके यहाँ पर एक डॉट दे देना होगा और फिर आपको थोड़ी देर आगे बढ़ाने के बाद ही यहाँ पर PNG फोटो को ऐसे आप स्लाइड करके उठा दीजिए और छोड़ दीजिए। तो अभी हम लोगों का जो वीडियो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग एक साउंड इफ़ेक्ट दे देंगे। तो यहाँ पर ऑडियो पे जाके हम लोग यहाँ पर फोल्डर्स पे जाएंगे और यहाँ पर स्नैपट्यूब ऑडियो पे जाके यहाँ पर कार एक्सीडेंट साउंड इफ़ेक्ट बोल के एक फाइल होगा, तो यहाँ पर ये वाला साउंड इफ़ेक्ट को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो दोस्तों साउंड को हम लोग ठीक से देख के कहाँ पे साउंड ऐड करना है उसे देख के हम लोग ऐड करना होगा हम लोगों को। तो आप ये जो ऑडियो फाइल है इसको भी मिल जाएंगे आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ पर जाके आप भी इसको सही से देख के यहाँ पर लगा सकते हैं इस ऑडियो जो साउंड इफेक्ट है इसको। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आया है, अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।